ओके वार्डों का जो आरक्षण था वो जारी कर दिया था, आप सबने देख लिया, देख भी लिया है, 75 जिलों में सभी निकायों का हो चुका है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसकी बैकग्राउंड दूं तो आपको याद होगा कि 2017 में हमारे राज्य में 16 नगर निगम थे, 199 नगर पालिका परिषद थी और 438 नगर पंचायत थे। इस प्रकार कुल मिलाकर के 653 नगर निकाय थे, जिनमें से 652 में उस समय चुनाव कराया गया था 2017 में, और जो उस समय निकाय थे उनकी कुल जनसंख्या 4.16 करोड़ होती थी, जो आपके प्रश्नोत्तर में भी हम लोगों ने दिया है। वर्तमान में आपने देखा कि 2017 के बाद कई नगर निकायों का परिवर्तन हुआ, कुछ नए बने और कुछ में सीमा विस्तार हुआ, उस पूरा हम डिटेल। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपके पास वो पड़ा हुआ है। वर्तमान में हमारे पास हमारे हमारे जो नगर निकाय हैं उनकी कुल संख्या 762 है, 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका और 545 नगर पंचायत, कुल मिलाकर के 762, जिनकी वर्तमान जो जनसंख्या है, आबादी है, वो 4.85 करोड़ है, जो 2017 के सापेक्ष 70 लाख अधिक है, 70 लाख। अब जो मैंने बताया कि 17 निगम है, 200 नगर पालिका परिषद है और 545 नगर पंचायतें हैं, उनके जो आरक्षण है जो उनके अध्यक्षों के, उसमें अनुसूचित जाति के लिए जो कुल आरक्षित, जिसे 17 नगर निगम की मैं पहले बात कर रहा हूँ, तो उसमें अनुसूचित जाति के लिए कुल आरक्षित सीटें 2 हैं, जिनमें एक महिला के लिए है, अनुसूचित जाति महिला के लिए, और दूसरी अनुसूचित जाति के लिए है। उसी प्रकार पिछड़ा वर्ग के लिए कुल आरक्षित सीटें 4 हैं, जिनमें पिछड़ा वर्ग महिला की 2 और पिछड़ा वर्ग पुरुष की या अन्य की 2। महिला के लिए कुल 3 सीटें आरक्षित की गई हैं और जो टोटल अनरिजर्व या अनारक्षित सीटें हैं उनकी संख्या 8 है। उसी प्रकार 200 जो नगर पालिका परिषदें हैं उनमें अनुसूचित जाति हेतु जो आरक्षण है वो कुल 27 सीटों का है, जिनमें से 9 महिला के लिए है और बाकी 18 अन्य अनुसूचित जाति की कैटेगरी में है। उसी प्रकार पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है उसमें कुल 54 सीटों का आरक्षण किया गया है पिछड़ा वर्ग में, जिसमें 18 महिलाओं के लिए पिछड़ा वर्ग की और 36 सीटें अन्य लोगों के लिए पिछड़ा वर्ग में। उसी प्रकार नगर पालिका परिषद में महिला की कुल आरक्षित सीटें 40 हैं और अनारक्षित सीटें कुल 79 सीटें हैं। नगर पंचायतों में आते हैं तो 545 नगर पंचायतें हमारी हैं, जिनमें अनुसूचित जाति के लिए कुल आरक्षण 73 सीटों का किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति की महिला के लिए 25 सीट और अनुसूचित जाति अन्य के लिए 48 सीट आरक्षित की गई है। अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 1 सीट, क्योंकि हमारे राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या कम है इसलिए वो अनुसूचित जनजाति की 1 सीट करते हुए पहली वरीयता महिला को जाती है, इसलिए वो अनुसूचित जनजाति की महिला को 1 सीट जाती है। पिछड़ा वर्ग के लिए हमारे 147 सीटें आरक्षित हैं, जिनमें पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 49 मतलब 49 सीटें आरक्षित की गई हैं और पिछड़ा वर्ग अन्य के लिए 98 सीटें आरक्षित की गई हैं। पंचायतों में, नगर पंचायतों में महिलाओं की कुल सीट 107 आरक्षित है और नगर पंचायतों में जो टोटल अनरिजर्व या अनारक्षित जो कुल सीटें हैं वो 217 हैं। 2 नगर निकाय जो हैं वो महाराजगंज जिले की सिसवा बाजार और बस्ती की भानपुर के गठन को लेकर के और चुनाव को लेकर के उच्च न्यायालय में दो लिटिगेशन चल रहा है, दो केस चल रहे हैं, इसलिए
वहाँ हम चुनाव नहीं करा पाएंगे। वर्तमान में 762 हमने बताया कुल नगर निकाय, उनमें 13,965 वार्ड या कक्ष हैं, जिनमें जैसा मैंने बताया कि पिछले दिनों जो वार्ड हमने डिक्लेयर किए आरक्षण के, उनमें उनका भी इसमें समावेश हो जाता है। इसमें जो सदस्य और पार्षद का, जैसा मैंने बताया कि वो पहले हम लोग जारी कर चुके हैं, और उसके भी आपत्तियां मंगाने का, सुझाव मंगाने का, और उन्हें फिर निस्तारित करते हुए उसको अंतिम स्वरूप देने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। उसे भी कुछ ही दिनों में हम लोग उसको अंतिम स्वरूप दे देंगे। जो वर्तमान में जिसमें आपको इस आज ज्यादा इंटरेस्ट है, उसमें 762 नगरीय निकायों में से, जैसा मैंने कहा, 760 में निर्वाचन के दृष्टि से हम अध्यक्ष और महापौर के पदों का आरक्षण उपरोक्त जो हमने बताया उस हिसाब से हम लोग अभी आपके सामने रखेंगे। और ये जो आज हम अनाउंस करेंगे वो 7 दिन का, उसमें लोगों को अपने सुझाव और आपत्तियां देने का अवसर दिया जाएगा। फिर उसके बाद 2 दिन का समय लेते हुए उन आपत्तियों को के मद्देनजर उनको निस्तारित करते हुए उनका भी अंतिम अधिसूचनाएं जारी की जाएगी। अनंतिम आज जारी हो रही है और अंतिम जारी होने में अभी हम 7+2 यूं मान लीजिए कि 9 दिन, मतलब 14 तारीख को हम लोग वो सब कर पाएंगे। और महापौर और अध्यक्ष तथा वार्डों और कक्षों में सदस्य पार्षद पदों के आरक्षण की, जैसा मैंने कहा कि अंतिम अधिसूचना जैसे ही हो जाएगी, जैसे ही हम अंतिम अधिसूचना जारी कर देंगे, वैसे ही पूरा जो काम है वो राज्य निर्वाचन आयोग का शुरू हो जाता है, और ये सारा विषय फिर राज्य निर्वाचन आयोग के परिधि में चला जाता है। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।